अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरिबल एक्टिविटी में खुश आमदी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेन किलर के बारे में, यानी मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जो एज अ पेन किलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से एलोपैथिक में पेन किलर होती है, ऐसे ही होम्योपैथिक में भी पेन किलर होती है जिसे आप एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलोपैथिक में यूज़ करते हैं आप लोग डाइक्लोफेनिक सोडियम यूज़ की जाता है फार्मूला, या जैसे डाइक्लोफेनिक पोटेशियम यूज़ करते हैं, या पेन किलर में अपना पैरासीटामोल यूज़ होती है, या फिर ब्रूफिन वगैरह जैसे इस्तेमाल किया जाता है। और होम्योपैथिक में भी एज अ पेन किलर बहुत सारी मेडिसिन होती है जिसको आप इस्तेमाल करके रिलीफ ले सकते हैं, यानी जिससे आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलता है। यानी एमरजेंसी में अगर आपको कोई दर्द की शिकायत हो जाती है तो उसमें भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके आराम पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक की जो पेन किलर है मैं आज आपको बताऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल किस किस पेन में किया जा सकता है, चलिए पहले ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पेट में दर्द होता है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सारा दिन यानी कि पेट में दर्द की शिकायत बनी रहती है, अक्सर पेट में आपके दर्द देता है या मरोड़ टाइप की आपकी होती है, तो भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है अक्सर, जैसे ओल्ड एज हो जाते हैं, जैसे घुटनों के अंदर तकलीफ़ रहती है आपके, आपके उठने बैठने में जोर या दर्द करती है, जोड़ों में सूजन की वजह से दर्द हो जाता है, जैसे कि सूज जाते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें दर्द होता है, उसमें भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके सर में दर्द होता है, सर का दर्द होता है और सर दर्द के साथ अगर आपको चक्कर की शिकायत है तो भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों में आराम दे देगी, यानी कि आपको चक्कर में भी आराम मिलेगा और सर दर्द में भी आपको आराम देखने को मिलेगा। आपके हाथों में अगर दर्द की शिकायत रहती है, आपको मस्कुलर पेन रहता है, पट्ठों के अंदर आपके दर्द रहता है, मस्कुलर पेन जिसे कहते हैं, आपके पट्ठों में यानी अकड़न सी बनी रहती है, तो भी आप इसमें इसको मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। आपको साइटिका का पेन या शियाटिका जिसको कहते हैं, साइटिका या शियाटिका, जो कमर का दर्द होता है, मतलब नीचे टांग तक जाता है, कमर से लेकर नीचे पैर की उंगली तक जाता है, तो इसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली ये मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपके गाल ब्लैडर में यानी कि स्टोन हो जाता है, उसके अंदर अगर आपको तकलीफ होती है तो भी आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसमें आराम देखने को मिलेगा। अगर आपके मसाने के अंदर तकलीफ़ हो जाती है स्टोन की वजह से, या आपकी किडनी में अगर हो जाती है तकलीफ़, गुर्दे के अंदर आपको गुर्दे के दर्द की शिकायत हो जाती है, तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी इसमें आराम देखने को मिलेगा। आपकी पूरी बॉडी में अगर फीवर की वजह से दर्द हो रहा है तो आप एज अ पेन किलर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी पूरी बॉडी दुख रही है, यानी कि जिसे जिसम टूट रहा होता है, तो भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस मेडिसिन से बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी पेन की शिकायत होती है, मतलब दर्द की शिकायत होती है, उठते हैं बैठते हैं चलते फिरते, सर में, आँखों में, पेट में, जोड़ों में, किडनी में, गाल ब्लैडर में, पित्ते में या मसाने में, कहीं भी आपके खास दर्द होता है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि कितनी डोज आपने इस मेडिसिन की इस्तेमाल करनी है और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो फ्रेंड्स, आपने जर्मनी की डॉक्टर रेक्वेज की R81 को इस्तेमाल करना है। डॉक्टर रेक्वेज की R81 लेनी है और इसकी 10 से 15 ड्रॉप, एक चौथाई कप पानी लेना है, वो उस पर आपने 10 से 15 ड्रॉप डालने और इसको यूज़ करना है। अगर आपके दर्द ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है तो हर एक घंटे के बाद इस डोज को रिपीट करेंगे, 3 डोज तक आप रिपीट कर सकते हैं, यानी हर एक घंटे के बाद 10 से 15 ड्रॉप लेंगे एक चौथाई कप पानी में, उसको कम से कम 3 डोज ले लें एक एक घंटे के वक्फे से, यानी कि आपने 15 ड्रॉप ले लिए, फिर 1 घंटा इंतज़ार करें दर्द हो रहा है तो आप फिर एक दोबारा 10 से 15 ड्रॉप एक चौथाई कप पानी में ले लें। अगर आपको फिर भी आराम ज़्यादा नहीं मिला तो फिर आप जो है 1 घंटे के बाद फिर एक चौथाई कप पानी में 10 से 15 ड्रॉप डालें, फिर इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फिर इसमें आपको आराम देखने को मिलेगा, दोबारा इसको रिपीट ना करें। फिर अगर आपके मुस्तकिल दर्द रहता है रोज़ाना की बुनियाद पर, अगर आपको दर्द की शिकायत रहती है, आप इसको दिन में सिर्फ
तीन मरतबा इस्तेमाल करें, मतलब सुबह, दोपहर और शाम। जिस वक्त सिर्फ दर्द शिद्दत से होता उस टाइम पर इसे रिपीट करें, वरना रिपीट मत करें। सिर्फ दिन में इसको आप 3 मरतबा इस्तेमाल करें और आप इसको 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको दर्द की शिकायत से आराम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि दवाइयों का इस्तेमाल कराना। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ आप अपने भाई को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।